गाइस अगर हम बात करें अभी रिसेंटली सोनी सब की जो पॉपुलर शो है जीते दिल माने ना, इसमें क्या है कि बहुत सारे ऑडियंस एक चीज को लेके पूछ रहे हैं, क्या करण मोनामी एक साथ आएंगे कि नहीं। देखो जो अभी BTS आया था जिसमें करण और मोनामी, एक्चुअली मोनामी को करण एक जगह लेके आते हैं, रोमांस चल रहा है, मतलब यह तो श्योर है कि इस वीक में मोनामी को पता चल जाएगा करण कहाँ है, यह एक चीज हो जाएगा। दूसरी जगह करण मोनामी की रोमांस भी हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है इन दोनों की मिलन तो हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी क्वेश्चन ये है क्या इस शो की TRP बढ़ेगी, क्योंकि फैंस जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा जो इंजॉय करने वाले चीजें हैं वो है करण मोनामी की रेटिंग को देखना चाहते हैं और शो को बचाने की प्लान है, वो हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। लेकिन सच बताओ ना, बहुत कम चांसेस है शो की TRP 0.8 तक जाने के लिए। मैं बोल सकता हूँ 99% है जो 0.8 TRP नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या होता है, क्या शो बच सकती है? नहीं बच सकती है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो लोग नहीं है, कुछ शो के गद्दार है, बोलते तो हम बहुत पर इस शो के फैन है, और वही लोग YouTube में इंस्टॉल कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं वीडियो, समझ में आ रहा है? उन लोगों के कारण DRP गिर रही है, बात खत्म। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर जब रिपोर्ट्स करते, मैं गारंटी दे रहा हूँ 80% ऐसे लोग हैं जो शो देखते हैं यूट्यूब में, रिपोर्ट नहीं करते हैं, यह सच बात है, मानो या ना मानो। ओके मेरी बात होती है बताना, आपका काम है मानना। अब आप देखो आपको क्या लगता है।